शनिवार को डलहौजी के यूथ हॉस्टल से राष्ट्रीय विंटर हिमालयन ट्रैकिंग के लिए छठा दल रवाना हुआ। इस अवसर पर प्रबंधक यूथ हॉस्टल डलहौजी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि एसडीएम डलहौजी जगन ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना किया। इस अवसर पर एसडीएम डलहौजी ने उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल की प्रकृति और भौगोलिक सुंदरता का लुफ्त ले और मेडिटेशन और एक्सरसाइज करके शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। इस दल में अलग अलग राज्यों से 40 ट्रैकर भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर यूथ हॉस्टल के संरक्षक देवेंद्र शर्मा, सीनियर एडमिन ऑफिसर अंजना, सीनियर ट्रैकिंग ऑफिसर तन्मय, शशिपाल और अन्य लोग मौजूद रहे। प्रथम आज की जो ये हमारा ट्रैकिंग एक्सपेडिशन है, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया दिल्ली से आए तन्मय जी, मैडम अंजना जी, शशि जी, देवेंद्र जी, आप सभी यहाँ पे आए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ये बताया गया है कि आप पूरे हिंदुस्तान से विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हिमाचल में। मैं ये हिमाचल प्रशासनिक सेवा के नुमाइंदे होने के की तरफ से मैं आपको एक बार फिर प्रशासन की तरफ से भी आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि टूरिस्ट को वेलकम करना जो है वो हमारा एक प्राइम वो रहता है, गोल रहता है। देखिए, जिस प्रकार से आधुनिक समय में जो विषमताएं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही हैं, हम लोग डे बाय डे इतनी हमारी कंडीशनिंग हो रही है, डिजिटल वर्ल्ड है, मोबाइल है, हम बहुत तरह से जो हैं एक किस्म से बड़ा एक आर्टिफिशियल लाइफ जीना शुरू कर दिया हमने। हमारे प्रशासन में तो हम मोबाइल पे ही हमारा ऑफिस चलता है ना, दिन रात ऑफिस चलता है। तो ये जो आपका एक्सपेडिशन है, आप नेचर के नज़दीक जा रहे हैं, आप जो है जो नेचर का इनोसेंस है उसको फील करिए। हमारा जो वाइल्ड लाइफ है, जो प्रकृति के में विभिन्न प्रकार की जो प्रकृति ने फूल पौधे पेड़ जो हमें आप आसपास देखेंगे, और जो वैरायटी हमारी जो फौना की है, विभिन्न प्रकार के जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, जो अगर आपको साइट होते हैं तो विद सेफ्टी वो आप देखेंगे, तो जो प्रकृति की जो एक ओरिजिनलिटी है, मौलिकता है, उसको आप महसूस कीजिए और उसको अपने जीवन में जो आपके अंदर जो वो बदलाव लाएगा, मुझे लगता है कि वो आप यहाँ से एक जो अच्छी मेमोरी लेके जाएंगे। क्योंकि आर्टिफिशियलिटी तो आपको US में भी मिल जाएगी, यहाँ भी मिल जाएगी, सब जगह मिल जाएगी, लेकिन जो नेचर की जो एक अलग सी बात है, और हिमालयन रेंजेस में जो है वो एक अलग ही, मैं समझता हूँ कि आप अब बंगाल से आए होंगे, चाहे तमिलनाडु से आए होंगे, केरला से आए होंगे, वो अपना ज्योग्राफी कंडीशन के हिसाब से वहाँ की जो फ्लोरा फौना है वो डिफरेंट है। हिमालय का जो है ये अपने आप में एक्सक्लूसिव है पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबली जो रेंजेस आप देखिए, ऐसी रेंजेस जो है कभी भी कहीं भी, चाहे एल्प्स ले लीजिए आप, अमेजोन ले लीजिए, या और भी हमारी रेंजेस है, सतपुड़ा है, विंध्याज हैं, अरावलीज हैं, बट ऐसा हिमालयाज जो है ना, आप मुझे नहीं लगता कि जीवन में कहीं भी आप इसको। आपका फैसला के लिए डलहौजी से अश्विनी साहिल की रिपोर्ट।